हेलो यूनमिन बेबीज, वेलकम टू माय चैनल आशियन पर्पल पर्पल भी पर्पल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ यूनमिन फैन फिक्शन गैंगस्टर फोर्स टू लव हिम के पार्ट टू एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूंगी गैंगस्टर लीडर जिसके फेयर से कोरिया के माफिया भी डरता है, नामजोन यूंगी के कजिन ब्रदर है और उसका पर्सनल असिस्टेंट भी। यूंगी एक बेहतरीन फाइटर है जो सभी चीज़ में परफेक्ट है, उसे किसी की डर नहीं है। यूंगी को जो चाहिए होता है वो उसे बहुत ही आसानी से अपना बनाकर ही छोड़ता है। यूंगी के गैंग के सभी मेंबर बहुत फेयरलेस है, लेकिन सब अपने लीडर से बहुत ज़्यादा डरता है। यूंगी के मॉम जब वो 5 साल का था तभी गुजर गई थी, लेकिन उसके फादर अभी भी जिंदा है और उनको यूंगी के प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यूंगी के फादर चाहता है यूंगी उनके बिजनेस संभाले और यूंगी को ये मंजूर नहीं है। वो अपने लाइफ अपने हिसाब से जीना और चलाना चाहता है, इसीलिए उसने अपना घर छोड़ दिया और खुद का एक अलग किंगडम बना लिया जिसका किंग वो खुद है। आधे घंटे के बाद कार एक बड़ी सी मेंशन के बाहर आकर रुकता है। जिमिन कार में ही अनकॉन्शियस हो गया था। नामजोन जिमिन के कंधे पर हल्के से पैट करता है। जिमिन कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था तो नामजोन कार से निकलकर गार्ड को इशारा करता है। नामजोन गार्ड से जिमिन को मेंशन के अंदर लेकर आने के लिए कहता है। गार्ड नामजोन के कहने पर जिमिन को उठाकर बेडरूम में लेकर आता है। नामजोन जिमिन को उस कमरे में अकेला छोड़कर एक डार्क रूम के अंदर आ जाता है। अंधेरे के कारण कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी डार्क रूम में से कोई डीप वॉइस में कहता है, क्या काम हो गया है? नामजोन कहता है, यस मास्टर, वो अभी दूसरे बेडरूम में है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के वजह से अभी अनकॉन्शियस है। यूंगी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और कोल्ड टोन में कहता है, ह्योंग, यह और कोई नहीं है, प्लीज़ आप मुझे मेरे नाम से बुलाए। नामजोन कहता है, ठीक है, अब उसके साथ क्या करना है? यूंगी कहता है, पहले उसे होश में लाना होगा, मैंने उसके लिए बहुत इंतज़ार किया है, अब और नहीं कर सकता। आंट ली से कहकर उसके लिए सोबा ड्रिंक मेक करने के लिए कह दीजिए। नामजोन कहता है, ओके। यूंगी, क्या तुम श्योर हो तुम उसके साथ ये सब कुछ करना चाहते हो? मेरा मतलब, तुम सच में उससे प्यार करते हो? मुझे लगता है वो किसी और से प्यार करता है। यूंगी कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है। प्यार से एक्सेप्ट कर ले तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वरना मैं उसे फोर्स करूँगा। ह्योंग, एक और बात, क्या आपने उसे मेरी डील की सभी टर्म्स एंड कंडीशन बता दिया है? क्या उसे पता है? नामजोन यह छोटी सी झूठ बोलता है। नामजोन कहता है, हाँ, मैंने उसे सारी रूल्स बता दिया है। अच्छा, मैं अब आंट ली से कहकर ड्रिंक प्रिपेयर कर लेता हूँ। यूंगी कहता है, 15 मिनट बाद नामजोन सोबा ड्रिंक के साथ जिमिन के बेडरूम में आ जाता है। नामजोन सर्वेंट लेडी से इशारा करता है सूप जिमिन को पिलाने के लिए। सोबा ड्रिंक पीने के बाद जिमिन धीरे धीरे होश में आने लगा था। जिमिन आंखें खोलकर खुद को सॉफ्ट मैट्रेस के ऊपर और लग्जरियस बेड में देखकर चौंक गया। जिमिन जल्दी से बेड पर उठकर बैठ जाता है और कमरे के चारों ओर आंखें बड़ी बड़ी करके कमरे की खूबसूरती को एडमायर करने लगता है। कमरे की एक एक चीज़ बहुत ही कीमती और एंटीक है। तभी जिमिन की आंखें विंडो के पास जाता है। विंडो के पास खड़ा होकर नामजोन फ़ोन पर किसी से एंग्रीली बात कर रहा था। तभी उसे कोई चीज़ गिरने की आवाज़ सुनाई देता है। नामजोन पीछे मुड़कर देखता है। जिमिन के टक्कर लगकर फ्लावर बस ग्राउंड पर गिरकर टूट गया था। जिमिन नामजोन के तरफ देखकर डरी हुई आवाज़ में कहता है, सॉरी, एक गलती से हो गया। नामजोन कहता है, फाइनली तुम होश में आ गए हो। जिमिन को कुछ याद नहीं है तो वो नामजोन को नहीं पहचान पाए थे। जिमिन कहता है, मैं यहाँ कैसे आया और आप कौन हो? क्या किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है? लेकिन क्यों? नामजोन फेस पर एक प्यारी सी डिंपल वाली स्माइल लेकर जिमिन को सारी बात एक्सप्लेन करता है जो उसके साथ क्लब में हुआ था और डील्स के बारे में भी बोलता है। नामजोन
जिमिन के शोल्डर पर टैप करके कहता है, तुम में से शराब की स्मेल आ रही है, जाओ और जाकर पहले शावर लेकर फ्रेश हो जाओ। मास्टर कभी भी तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ सकता है, जिमिन इनोसेंटली कहता है। मास्टर कौन है? मेरे पास कपड़े नहीं है चेंज करने के लिए, नामजून कहता है। क्लोथ अरेंज कर दिया है बाथरूम के अंदर, तुम्हें सब कुछ बाथरूम के अंदर ही मिल जाएगा। जिमिन बाथरूम आकर खुद को क्लीन करके क्लोथ वेयर कर लेता है। जिमिन कमरे में आने से पहले युंगी के स्टाफ पूरे कमरे को डेकोरेट कर दिया था। जिमिन कमरे में आकर डेकोरेटेड रूम को देखकर शॉक्ड हो जाता है, उसे अचानक बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। जिमिन समझ नहीं पा रहा था बेडरूम को इस तरह से डेकोरेट क्यों किया गया है, क्या करना चाहता है वो लोग उसके साथ। जिमिन बेड की कॉर्नर में बैठकर उस आदमी के लिए इंतज़ार करने लगता है, तभी उसे डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनाई देता है। जिमिन ये देखने के लिए पीछे मुड़ता है, वो जिसके लिए ये डील साइन किया है, जिसे उसे सेटिस्फाई करना है, एक रात उसके साथ गुजारना है, वो असल में कैसा देखता है। युंगी एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कमरे में एंटर करता है। जिमिन युंगी के हैंडसम फेस देखकर ब्लास्ट हो गया था और जल्दी से अपना हेड दूसरे ओर टर्न कर लेता है। युंगी पीछे से जिमिन को बैक हग करके उसके कान में धीरे से कहता है, बेबी बॉय क्या तुम्हें डर लग रहा है। जिमिन युंगी के हाथ को नोटिस करता है जो उसके स्टोमक के ऊपर और एक हाथ उसके चेस्ट के ऊपर था। जिमिन के बॉडी शिवर करने लगता है। जिमिन को साइलेंट रहते हुए देखकर युंगी फिर से कहता है, बेबी क्या तुम्हें डेकोरेशन पसंद नहीं आया, ये सब कुछ मेरे असिस्टेंट ने किया है, वाइन रोज कैंडल सब, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, क्या तुम नर्वस फील कर रहे हो। जिमिन कहता है, नहीं मैं बस, इससे पहले कि जिमिन अपने बात कंप्लीट कर पाता, युंगी के एक्शन से जिमिन पूरी तरह से फ्लिंज हो जाता है। युंगी जिमिन के चेस्ट पर हाथ रखकर उसके ईयर पर हल्के से बाइट करता है, जिसे जिमिन अनकंफर्टेबल महसूस करता है और खुद को फ्री करने की ट्राई करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अगले ही पल में युंगी जिमिन के चेस्ट पर प्रेस करते हुए डीप वॉयस में पूछता है, क्या तुमने इससे पहले किसी के साथ ऐसा नहीं किया। और फिर युंगी जिमिन के चेस्ट पर और दो तीन बार प्रेस करता है, जिससे जिमिन अपने फुल फोर्स का इस्तेमाल करके युंगी को पीछे धक्का देकर खुद को पीछे कर लेता है। जिमिन युंगी के सामने हाथ जोड़कर बेग करना और रोने लगता है। जिमिन रोते हुए कहता है, प्लीज सर लेट मी गो। युंगी सीरियस टोन में कहता है, नो आई विल नॉट लेट यू गो बेबी बॉय। जिमिन कहता है, प्लीज सर मैं इस तरह की नहीं हूँ जिस तरह के इंसान आप मुझे समझ रहे हो। युंगी कहता है, तुमने डील किया है, अब तुम खुद को पीछे नहीं कर सकते, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे मादर के ट्रीटमेंट के लिए मनी भेज दिया है। जिमिन कहता है, लेकिन उसने तो कहा था मुझे बस आपको अच्छा फील करवाना है। युंगी जिमिन के सामने बैठकर स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा अच्छा फील करवाना है, तो ये तुम कैसे करने वाले हो। जिमिन शेकिंग वॉइस में कहता है, वो मैं आपको बॉडी मसाज दे सकता हूँ। युंगी ये सुनते ही साइको की तरह स्माइल करने लगता है। युंगी मन ही मन सोचता है, वो तो इसका मतलब ये है, नामजून ह्योंग उसे सब कुछ क्लियरली नहीं बताया। युंगी जिमिन को तंग करने के लिए कहता है, शायद उनसे मिस्टेक हो गया होगा, तुम इतने ब्यूटीफुल और डेलिकेट हो, तुम्हें देखने के बाद मेरा माइंड बदल गया है, आई वॉन्ट टू ईट यू राइट नाउ बेबी बॉय। ये कहकर युंगी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और जिमिन के वेस्ट पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींच लेता है। युंगी बहुत ही टाइटली जिमिन के वेस्ट को पकड़े हुए था, जिससे जिमिन को अपने कमर पर पेन हो रहा था। जिमिन कुछ कहने के लिए अपना माउथ ओपन करता है और उसी का फायदा उठाकर युंगी उसके लिप्स से अपने लिप्स को जोड़कर उसे किस करने लगा। जिमिन माउथ ओपन करते ही युंगी अपना टांग जिमिन के माउथ के इनसाइड कर उसके माउथ की एवरी कॉर्नर को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगता है। जिमिन पूरी तरह से सोबर नहीं हुआ था, जिसे उसे फिर से डीजी महसूस होता है।
जिमिन ट्राई कर रहा था युंगी से छूटने की। युंगी किस करते हुए बहुत एग्रेसिव हो रहा था। युंगी जिमिन के बॉटम लिप्स पर बाइट कर लेता है। जिमिन अपने लिप्स पर ब्लड महसूस कर पा रहे थे। जिमिन फुल बॉडी फोर्स का इस्तेमाल करके युंगी को पीछे पुश करता है। जिमिन अपने लिप्स पर युंगी का सलाइबा महसूस करता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था। जिमिन अपने हैंड से अपना माउथ तुरंत क्लीन कर डोर के पास भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डोर ओपन नहीं हो रहे थे। युंगी कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम यहाँ से निकल सकते हो? बेबी, लगता है तुम अभी तक ये समझ नहीं पाए हो कि तुम कहाँ खड़े हो। तुमने मानी लिया है मुझसे, अब तुम्हारे पास मुझे सर्व करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बची। अब तुम मेरी प्रॉपर्टी बन गए हो, अब मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तुम मुझे किसी भी बात के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। जिमिन युंगी के डार्क आइज को देखकर फेयर से चीखने चिल्लाने लगता है, जिसे युंगी इरिटेट होकर उस पर शाउट करके कहता है, शट अप, चीखना चिल्लाना बंद करो, यहाँ तुम्हारी बात सुनने के लिए कोई ही नहीं आएगा। यह सिर्फ मेरा ऑर्डर चलता है और मेरी ही ऑर्डर और वर्ड सुनी जाती है, अंडरस्टूड? जिमिन कहता है, प्लीज़ सर, लेट मी गो, मैं मानी वापस कर दूंगा। युंगी जिमिन को कुछ और कहने का मौका ही नहीं देता। युंगी तुरंत जिमिन को बेड पर हार्शली फेंक देता है और अपने दोनों हाथों से उसका एक हाथ पकड़कर उसके करीब जाने की कोशिश करता है। जिमिन डर से फिर से बेहोश हो जाता है। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप के आप लोगों को ये स्टोरी भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।